अंजलि को लेकर मुनावर ने अपनी जनता से आखिर क्या कुछ कहा है और क्या कुछ नहीं करने के लिए कहा है, चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोर्स। जी, आपको बताना चाहूंगी कि मुंजी के फैंस इन दोनों को साथ में देखना चाहते हैं दोस्त की तरह, और इन दोनों की दोस्ती को लोगों ने जेन्युइन समझा है, इस वजह से साथ देखना चाहते हैं। तो आपको बता दूं कि कई बार जो फैंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो अगर अपने फेवरेट के साथ इमोशनली जुड़ जाते हैं तो वो इमोशंस में बह के अगर किसी ने उनको लेकर गलत कहा तो वो सामने वाले को भी नहीं छोड़ते हैं और उन्हें जो लगता है वो कह देते हैं, तो जो कि एक गलत है। मतलब आपको ये सारी नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ पॉजिटिव बातों पर ही ध्यान देना चाहिए, क्या पॉजिटिव है क्या सही है। बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ फैंस जज्बाती होते हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर मुनावर ने अपना पॉइंट रखा है। जी हाँ, ट्विटर स्पेस में वो हाल ही में आए थे और अपने वॉरियर्स हैं, मुनावर की जो वॉरियर्स हैं, मुनावर की जो जनता है, उनसे उन्होंने दिल खोलकर बातें की, उनके सवालों का जवाब दिया। तो उसी ट्विटर स्पेस के दौरान, बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो मतलब फैंस हैं जो अंजलि को ब्लेम करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं हेट नहीं करता और मैं किसी को हेट नहीं करता, इस दुनिया में मैं किसी को हेट नहीं करता, तो आप भी मत कीजिए। मेरे फैंस हैं बहुत ज़्यादा समझदार हैं, ट्विटर पर मैं ट्रेंड देखता रहता हूँ, बहुत इंटेलेक्चुअल फैंस हैं मेरे। तो कुछ लेकिन ऐसे फैंस हैं जो यंग फैंस हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं और जज्बात में बह के वो कुछ अनइंटेंशनली कर जाते हैं जो कि सही नहीं है। और मैं चाहूँगा मैं कि आप मत कुछ ऐसे करो, कुछ गलत बातें मत बोलो किसी को भी लेकर, मतलब चाहे वो अंजलि हो चाहे बाकी कोई भी हो, उनको लेकर आप गलत बातें मत बोलो, क्योंकि मैं किसी को हेट नहीं करता और आप भी मत कीजिए। ये एक पॉजिटिव मैसेज उन्होंने अपनी जनता को पहुंचाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। अब जो मुनावर की जनता है, मुनावर की जो वॉरियर्स हैं, वो एक्चुअली में समझदार हैं, तो डेफिनेटली वो इन बातों को समझेंगे, वो किसी को नीचा गिराने की या फिर उनके बारे में गलत किसी के बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने मुनावर की बात अच्छी तरीके से समझते हैं और एग्री करते हैं। अब लेकिन देखना होगा कि ये चीज़ें एक्शन में कब आती हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे और प्यार से मुनावर ने अपनी बात रखी और अपने फैंस को समझाया है। आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और देखते रहिए फीफा फोर्स इसी तरीके की अपडेट्स के लिए।